क्या आपने शादी के लिए ट्राई किया बट कितनी कोशिशों के बाद भी आपकी कहीं शादी नहीं हो पा रही? ऑफर्स आते हैं पर ढंग के नहीं आते। 16 सोमवार के व्रत रख के देख लिए, मंदिर में मत्था टेक लिया, दरगाह पे चादर तक चढ़ा ली, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? ऐसे में दीदी के पास एक सिंपल सा उपाय है। हर बार की तरह आपको मंडे या थर्सडे या फुल मून के दिन, ठीक है, मंडे या थर्सडे या फुल मून के दिन मेंसेस में नहीं, ठीक है, कोई भी रेमेडी मेंसेस में नहीं की जाती। ओके, फुल मून के दिन मंडे या थर्सडे आपको दो कैंडल्स लानी है, जो होगी रेड या पिंक कलर की, ठीक है। पिंक या रेड दोनों सिंपल होनी चाहिए, कोई चटक चांदनी का काम नहीं किया होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। दो कैंडल्स आपको साथ में करना है और उसके बाद इसके बीच में थ्रेड, इसके बीच में मतलब इसके आसपास पूरा थ्रेड घुमा दें, जितना चाहे घुमाएं, व्हाइट, येलो, एनीथिंग, लाइट कलर, डार्क कलर नहीं चलेंगे। थ्रेड का कलर रेड या ब्लैक या ब्राउन ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल्डन कलर का थ्रेड मिल गया तो भाई वारे न्यारे हो गए, ठीक है। तो आप इसको करें क्या, इसको बांध दें, जैसे चाहे सही लगे आप इसे बांध कर साथ में जलाएं, ठीक है, साथ में 8-9 बजे या 10 बजे के अप्रॉक्स, ठीक है, 12 बजे से पहले, रात के टाइम होता है ये। इसे जलाएं और 5-10 मिनट मेडिटेट करें, प्रार्थना करें कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके का वर या वधु आपको चाहिए, ठीक है। 5-10 मिनट्स के बाद आप अपने काम में लग जाए, उसे जलते रहने दें, उसे कंप्लीट हो जाने दें, ठीक है। अगले दिन आप उसे थ्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ध्यान रखना कि आपको 14 टाइम्स करना है, 14 बार, और उसके बाद रिजल्ट देखें बहुत अच्छे मिलने वाले, ठीक है। इसी तरीके की रेमेडीज के लिए